वैसे तो सभी उड़ने वाले कीट पतंगों को हम प्रकाश की ओर आकर्षित होते हुए देखते हैं, लेकिन हम में से अधिकतर लोग इसका कारण नहीं जानते। कीट पतंगों के प्रकाश की ओर आकर्षित होने के पीछे आश्चर्यजनक तथ्य हैं, जिसमें से एक ये भी है कि केवल नर कीड़े ही प्रकाश की ओर खींचते हैं, और कुछ का मानना है कि कीट पतंगे सभी प्रकाश स्रोतों की ओर समान रूप से आकर्षित नहीं होते। क्या आप इन सभी सवालों का जवाब जानते हो? वैसे कीट पतंगों का प्रकाश की ओर आकर्षित होना अरिस्टो के समय से ही अध्ययन का विषय रहा है। 19वीं सदी के अंत में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के SW फ्रांस ने इस विषय का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। बाद में फ्रांस के JH फेरे ने इस खोज को आगे बढ़ाया और इसकी उचित विवेचना की। उन्होंने बताया कि कुछ प्रकाश स्रोतों से विशेष प्रकार के विकिरण निकलते हैं, जिनके कारण कीट पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। अब ये प्रयोगों से सिद्ध हो गया है कि प्रकाश स्रोतों से निकलने वाले कुछ अवरक्त विकिरणों की ओर ही कीट पतंगे आकर्षित होते हैं। ये अध्ययन मौत पर किए गए थे। अब सवाल उठता है कि इन विकिरणों में ऐसी क्या विशेषता है जो कीड़ों को आकर्षित करती है। वास्तविकता ये है कि मादा कीट पतंगों के पेट में एक ऐसी ग्रंथि होती है जिससे कुछ विशेष गंध वाले अणु निकलते हैं, और इन अणुओं से कुछ अवरक्त विकिरणें निकलती हैं जो वायु में फैल जाती हैं। नर मौत इन विकिरणों की पहचान कर लेते हैं और वे मादा कीट को पाने की इच्छा में उसकी ओर आकर्षित होते हैं। मादा के शरीर से निकलने वाले विकिरणों की भांति ही प्रकाश स्रोतों से भी विकिरण निकलते हैं, जिनसे नर मौत को मादा मौत की उपस्थिति का भ्रम हो जाता है और इसी भ्रम में नर प्रकाश की ओर खींचने लगता है। उसे लगता है कि कहीं आसपास मादा कीट है और उसकी तलाश में वो प्रकाश स्रोत की ओर आकर्षित हो जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कीट पतंगों में नर एम्परर मॉथ, जिसे हम यूडिया पवोनिया कहते हैं, उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। जर्मनी में सन 1961 में उस पर किए गए प्रयोगों से पता चला कि एम्परर मॉथ मादा से निकलने वाली सेक्स गंध को लगभग 11 किलोमीटर दूर से भी जान लेता है। वहीं कुछ मौत इस गंध से निकलने वाली अवरक्त विकिरणों से आकर्षित होकर ही प्रकाश की ओर खींचे चले जाते हैं, क्योंकि उसमें भी मादा के शरीर से निकलने वाली अवरक्त किरणें होती हैं। इस प्रकार मादा मौत की खोज में नर मौत प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। क्या आपको पता है कि मोमबत्ती के प्रकाश में ऐसे विकिरण काफी मात्रा में होते हैं जिससे नर कीट मोमबत्ती की लौ की ओर आकर्षित हो जाते हैं। सड़कों पर लगे बल्बों की ओर भी नर मौत इसी भ्रम में आकर्षित होते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।